खबर उमरिया जिले के नौराजाबाद की है, जहां पर SECL के द्वारा कोयले का प्रोडक्शन किया जाता है। सूत्रों के माने तो कंपनी के द्वारा खुलेआम शासन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नाम ना बताने की शर्त पर कुछ श्रमिकों ने बताया कि कंपनी के द्वारा हमसे 8 घंटे की जगह 12 से 16 घंटे तक काम कराया जाता है, जबकि पारिश्रमिक केवल 8 घंटे का ही दिया जाता है। दिन भर वाहनों की आवाजाही से धूल उड़ती रहती है, श्रमिक धूल में काम करने को मजबूर हैं। वहीं श्रमिकों का कहना है कि आपातकालीन स्थिति में कोई मेडिकल की सुविधा तक नहीं है। हमारा यहाँ ओबी रिमूवल का काम है कंचनों से, तो मैं 1095 दिन का लगभग 3 साल का काम मिला हुआ है मिट्टी हटाने का, कोयला एक्सपोज करके SECL को देना है। क्या कुछ सुविधाएं हैं मेडिकल की आपातकालीन स्थिति में? नज़दीक में 1.5 किलोमीटर में यहाँ गांव है गुलगुली, प्राथमिक उपचार के लिए तो फर्स्ट एड अपने कैंप में भी सुविधा है, फर्स्ट एड होल्डर हमारे पास है 6-7, और बाकी जो अपना नरोजाबाद में SECL का अस्पताल है